रोडवेज बस। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से बहुत साल पहले जब प्रशांत जी बरेली के एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे, वैसे तो प्रशांत जी खास बदायूं के रहने वाले थे। वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर जाया करते थे। बुधवार की रात जब वो अपने सरकारी कमरे में आराम कर रहे थे कि उन्हें खबर मिली कि उनकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। ये खबर सुनते ही प्रशांत जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वो घर की ओर निकल गए। अब वो बरेली से बदायूं वाले रोड पर थे। रात काफ़ी हो चुकी थी जिस वजह से रोड पर इक्का दुक्का ही गाड़ी नजर आ रही थी। प्रशांत जी यहीं कोई 20 से 22 किलोमीटर ही गए होंगे कि उनका स्कूटर अचानक ही बंद हो गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है। निकलने से पहले वो जल्दबाजी में पेट्रोल चेक करना भूल गए थे। तभी उन्होंने अपना स्कूटर रोड के किनारे पर लगाया और वो किसी गाड़ी का आने का इंतजार करने लगे। लगभग 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद उन्हें एक रोडवेज बस आती हुई नजर आई। फिर उन्होंने बस को हाथ देकर रुकवा लिया। पूछने पर पता चला कि वो बस भी बदायूं की ओर ही जा रही थी। तभी उन्होंने ड्राइवर को बताया कि उनका एक स्कूटर भी है जिसे वो यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने स्कूटर की बात पूरी की ही थी कि बस से उतरकर कंडक्टर ने अपने दोनों हाथों से स्कूटर को बस की छत पर रख दिया। ये देखकर प्रशांत जी हैरान थे कि इतना भारी स्कूटर अकेले आदमी ने बस की छत पर कैसे रख दिया। तभी कंडक्टर ने प्रशांत जी को बस में बैठने का इशारा किया। प्रशांत जी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, लिहाजन वो उस बस में ही चढ़ गए। जब वो बस में चढ़े तो उन्होंने देखा कि बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। चूंकि बस पूरी खाली थी इसलिए वो एक सीट पर जाकर बैठ गए। प्रशांत जी के दिमाग में वो स्कूटर का ही दृश्य अभी भी घूमे जा रहा था। ऊपर से खाली बस उनके दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। बस चले ही जा रही थी कि तभी प्रशांत जी के पीछे से आवाज आई, ड्राइवर साहब जरा आगे बस रोक देना। ये आवाज सुनते ही प्रशांत जी एकदम से हुचक के रह गए। तभी उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि सबसे पीछे वाली सीट पर एक औरत सफेद लिबास में अपने दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। प्रशांत जी मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं बस में चढ़ा था तब तो बस में कोई भी नहीं था, तो ये औरत कब चढ़ी थी। प्रशांत जी ये सोच ही रहे थे कि तभी बस रुकी और वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ बस के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वो औरत नीचे उतर गई। ये देखकर प्रशांत जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोचने लगे कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी इस बस में बैठकर। अब वो अंदर से बहुत डर चुके थे मगर वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहे थे। बस फिर से चलने लगी थी कि तभी कुछ देर बाद किसी ने पीछे से प्रशांत जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अरे भैया तुम्हारे धोरे बीड़ी है। ये सुनते ही प्रशांत जी का माथा सुन्न हो गया। अब प्रशांत जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे कि तभी बस में एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा होने के बावजूद भी प्रशांत जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। तभी बस अचानक से रुकी और साथ ही बस के अंदर से अंधेरा भी खत्म हो गया। अंधेरा खत्म होते ही प्रशांत जी को सामने कंडक्टर खड़ा नजर आया जो उन्हें कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ गया है, आप उतर जाइए। जब प्रशांत जी बस से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका स्कूटर भी वहीं रोड पर खड़ा है। प्रशांत जी बस से उतर ही रहे थे कि उस कंडक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और साथ ही ये कहा कि आपके स्कूटर में हमने तेल भर दिया है, और ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। जब प्रशांत जी ने अपना स्कूटर चेक किया तो बाकी स्कूटर में तेल था और वो अपने घर चले गए। मगर आज भी वो उस वाक्य को भूल नहीं पाए और वो यह भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो था क्या। इस कहानी को सुनने से हमें यही पता चलता है कि उस दिन प्रशांत जी ने
अपने धैर्य का परिचय दिया था। शायद इसी वजह से उनकी जान बच गई। वो कहते हैं ना कि आरे वक्त में हमें धैर्य से ही काम लेना चाहिए। तो इसी के साथ जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।